हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग असेंबल। तो आज हम करने वाले हैं सिंग फ्लाई वर्सेस बिग चिप, और ये टॉपिक मुझे बेंटन मीडिया ने सजेस्ट किया है। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहिए या बेंटन से रिलेटेड कोई सवाल है आपको, तो आप कमेंट पे कह सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, फिर मैं आपको भी ऐसा शॉर्ट आउट दे दूंगा। और ये कॉलेज वीडियो होने वाली है हीरो 10 के साथ, तो वीडियो अंत तक जरूर देखे। तो बिना कोई देरी बिना कोई बकवास करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो बिग चिल फ्रीजिंग ब्रीथ कर सकता है, उसके साथ वो एडहेसिव फ्रीजिंग भी कर सकता है, और वो इंटेंजिबिलिटी की भी पावर है उसके पास, और वो किसी को छू के उसे बर्फ का बना सकता है। वो एनहेंसमेंट में उड़ भी सकता है, वो लेविटेट भी हो सकता है, और उसके साथ उसके पास एनहेंस ट्रेंड, और वो स्पेस में सर्वाइव भी कर सकता है, और उसके जो क्लॉक्स होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, जहरीली गैस से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो बहुत फुर्तीला भी है, और वो आइस बीम भी शूट कर सकता है, और वो इंटेंजिबिलिटी होके किसी के अंदर जाके उसे बर्फ का बना सकता है, और उसके पास है एनहेंस रिफ्लेक्सेस एंड एनहेंस ड्यूरेबिलिटी, और वो माइंड ब्रेक भी कर सकता है, और उसके जो टीथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बिग चिल लावा ब्रीथ कर सकता है, और वो अंडर वाटर ब्रीथिंग भी कर सकता है, और उसे रेडिएशन से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो हो गए बिग चिल की पावर्स एंड एबिलिटीज। तब उसकी वीकनेस की बात कर लेते हैं। तो वो हिप्नोसिस और मैजिक के सामने कमज़ोर पड़ जाता है, और उसकी जो इंटेंजिबिलिटी है उसकी भी वो एक लिमिट होती है, वो ज़्यादा देर तक उसमें उस फॉर्म में नहीं रह सकता। और अगर सामने वाले अपोनेंट भी इंटेंजिबल हो तो भी वो उसे दिक्कत आ जाती है लड़ाई में, और उसे फायर और इलेक्ट्रिसिटी से भी बहुत हार्म होता है। तो ये थी बिग चिल की पावर्स एबिलिटीज एंड वीकनेसेस। तो स्टिंग फ्लाई की पावर्स एबिलिटीज एंड वीकनेस आपको हीरो 10 बताएंगे। तो बात करें स्टिंग फ्लाई की पावर्स एंड एबिलिटी की, कि वो स्लाइम प्रोजेक्ट कर सकता है और वो उड़ भी सकता है, उसके पास एनहेंस स्ट्रेंथ भी है और एनहेंस रिफ्लेक्सेस भी हैं, और वो दीवार पे भी चढ़ सकता है, और वो 360 विजन भी देख सकता है, और उसकी टेल भी बहुत शार्प होती है, और वो आग के अंदर भी सफ़र कर सकता है, और उसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। और बात करें स्टिंग फ्लाई की वीकनेसेस की, उसकी वीकनेस है कि वो बुगली जॉर्ड के सामने कुछ नहीं कर पाता, और वो मैजिक के सामने भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, और उसको इलेक्ट्रिसिटी से भी बहुत हार्म पहुँचता है, और वो फायर के सामने भी कुछ नहीं सकता। अगर उसकी टेल से उसको कोई बांध दे तो वो नहीं निकल पाता, और उसकी स्ट्रेंथ भी लिमिट में ही है, और उसको स्विम करते भी नहीं आता। तो गाइस, अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि अगर फ्यूचर में स्टिंग फ्लाई और बिग चिल की लड़ाई होती है तो दोनों में से कौन जीतता है। तो अगर हम उनकी पावर्स एबिलिटीज एंड वीकनेस को ध्यान से देखें तो विनर तो एक ही निकल के आता है, और वो है बिग चिल। हाँ गाइस, बिग चिल, अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्टिंग फ्लाई क्यों नहीं जीतेगा, बिग चिल क्यों जीतता है। तो गाइस, तो उसका कारण ये कि बिग चिल के पास ज़्यादा पावर्स है, और वो एनहेंस फील्ड में फ्लाइट भी कर सकता है, स्पेस में भी इजीली सर्वाइव कर सकता है, एंड वो इंटेंजिबिलिटी की भी पावर है उसके पास, माना कि वो लिमिट में है, वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, बस थोड़ी देर के लिए तो रह सकता है, और वो किसी को छूके ही बर्फ बना सकता है। तो इस हिसाब से तो बिग चिल ही जीतता है। तो ये एक बस मेरी थ्योरी है कि बिग चिल जीतता है, स्टिंग फ्लाई हार जाता है। तो अगर आपको लगता है कि स्टिंग फ्लाई जीतेगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, रीजन के साथ बताना, ऐसे बता देना। और ये कॉलेज वीडियो थी हीरो 10 के साथ, उनके चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उनका चैनल भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी ऑल पे करना मत भूलिएगा, और अपने बेंटन फ्रेंड दोस्तों के साथ वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको बेंटन से रिलेटेड कोई सवाल हो या कोई टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहिए तब कॉमेंट में लिख सकते हो।
या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो और आप उसके साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, नाम आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मिलते हैं कोई बेंटन के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक एलियन डिवाइस का असर हो गया।